पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, देश भर में राहुल गांधी की यात्रा जो है वो चल रही है। बिहार के बाद राहुल गांधी झारखंड निकल चुके हैं और अपनी यात्रा में लगातार कई बातों को वो ध्यान में रख रहे हैं। देखिए, बिहार में राहुल गांधी की जो यात्रा हुई थी वो किसानों से जुड़ी हुई और वहाँ सीमांचल मिथिलांचल के इलाकों में जो समस्याएं थी उस समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी ने ये यात्राएं की। लेकिन राहुल गांधी अब झारखंड पहुँच चुके हैं और आप सबको पता है कि झारखंड में राहुल गांधी की यात्रा किस मकसद के साथ शुरू हुई है। आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर। आदिवासी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो अग्निवीर योजना, जो काफ़ी विवादित योजना रही थी, कई बेरोजगार युवाओं ने इसमें अपने परीक्षा के माध्यम से अग्निवीर योजना परीक्षा जो है वो उसने दिया है और अग्निवीर के तहत वो नौकरी भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो नौकरी थी मात्र 3-4 साल, ये तमाम प्रक्रियाएं गुजरती हैं इस नौकरी में, कोई जो परमानेंट नौकरी कह सकते हैं ये नौकरी नहीं है, जिस वजह से जो बेरोजगार युवा हैं या फिर जो आर्मी के क्षेत्र में जाने की चाहत रखते हैं वो लगातार इसका विरोध करते हैं। तो झारखंड में आप सबको पता है कि अभी अभी सरकार बदली है, सरकार के पास कई ऐसे एजेंडे हैं, उन एजेंडों में इन एजेंडों को प्रमुखता से रखी गई है। चूँकि झारखंड में ऑपरेशन लोटस करने के फिराक में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहाँ पर राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन का पूरा कमान अपने हाथों में संभाल लिया। ये ताकत दिखाते हुए राहुल गांधी ने ये स्थितियों को स्पष्ट कर दिया कि जो इंडिया गठबंधन में बिखराव की स्थिति कही जाती है वो बिखराव नहीं है, इसका कमान अब हमने संभाल लिया है। नीतीश कुमार अलग हो गए हैं तो क्या है, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे सेना के जवानों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या फिर जो आदिवासी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की समस्याओं हो, उन समस्याओं पर कांग्रेस काम करते हुए दिख रही है। झारखंड में पहुंचे राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर यहां आए और उन्होंने मुझे बताया कि जो वायदा हमने तेलंगाना में किया था आज उस वायदे को तेलंगाना की सरकार ने पूरा किया है। कौन सा वायदा? जाति जनगणना का वायदा। तेलंगाना में कुछ ही महीनों में पिछड़े वर्ग के लोगों को, आदिवासियों को, दलितों को, जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटी को, सबको पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है। अब मैं आपको ये बोल क्यों रहा हूं, क्योंकि ये जो एचईसी के लोगों को तंग किया जा रहा है, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये आदिवासी हैं, ये दलित हैं, और इनको रोजगार से हटाया जा रहा है और इस एचईसी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब समझिए, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ओबीसी को, दलित को, आदिवासी को और गरीब जनरल कास्ट के व्यक्ति को बेरोजगार बनाने का काम है। यह प्राइवेटाइजेशन नहीं है, यह दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से, माइनॉरिटी के लोगों से चोरी है, ये हो रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।